In this video, we will throw some light on the topic of biopiracy. पिछले वीडियो में आपने देखा बायोपेटेंट के बारे में हमने बात की. बायोपेटेंट वॉज एन ऑफिशियल राइट विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर. ठीक है, तो यहाँ पर अब बायोपायरेसी क्या चीज़ हुई. जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए हमने कभी सुना होगा कि पायरेसी होती है जैसे कभी कोई मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं होती है और उसकी डुप्लीकेट सीडीज़ बाज़ार में अवेलेबल हो जाती हैं. मींस चोरी करना. ठीक है, कोई काम किसी ने किया और उस काम को का फ़ायदा कोई और उठाता है और वहाँ से कई बार फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है उसको जो चोरी करता है. ठीक है, तो बायोपायरेसी इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज. अब यहाँ पे क्योंकि बायो वर्ड है तो ये किसी लिविंग थिंग की बात ही हम कर रहे हैं और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बायो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. बायो पायरेसी इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ सम कंट्रीज बाय सम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस किसी देश की जब बायो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके अपना फायदा उठाते हैं और उस पर्टिकुलर कंट्री को कोई कंपनसेशन या बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं देते हैं और ना ही कोई उनके पास अथॉरिटी होती है, कोई परमिशन होती है इन बायो रिसोर्सेज को यूज़ करने की, तो उस चीज़ को बायोपायरेसी बोलते हैं. ठीक है, मींस बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था दोनों के बीच में कोई भी, ना तो कोई अथॉरिटी दी थी उस पर्टिकुलर कंट्री ने एमएनसी या ऑर्गेनाइजेशन को उसके बायो रिसोर्सेज यूज करने के लिए. ठीक है, दैट इज बायोपायरेसी. इस चीज के ऊपर थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं. पूरे वर्ल्ड में दो टाइप की कंट्रीज हैं. सम आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव डेवलपिंग कंट्रीज. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड. ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर पुअर कंट्रीज, नॉट सो मच इंडस्ट्रियलाइज्ड. डेवलप्ड कंट्रीज में फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं हैं और इनके पास टेक्नोलॉजी भी थोड़ी लो लेवल की है. बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब क्योंकि इन्होंने सारी जगह पर तो पैसा लगाकर जो है टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े प्लांट खड़े कर दिए तो इनके बायो रिसोर्सेज वहाँ से नेचुरली ख़त्म ही होने थे. ठीक है, तो इनके पास बायो रिसोर्सेज की कमी है बट डेवलपिंग कंट्रीज के पास बायो रिसोर्सेज काफ़ी एनरिच्ड है. और साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज का ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो भी कम है और डेवलपिंग कंट्रीज के पास ट्रेडिशनल नॉलेज की कोई कमी नहीं है. ठीक है, अब बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को देखते हैं ये है क्या. बायो रिसोर्सेज विविधता. बायो रिसोर्सेज मीन्स किसी भी प्लांट एनिमल या माइक्रोब की वहाँ पर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होना, विविधता होना. ठीक है, और ट्रेडिशनल नॉलेज क्या हुआ. ट्रेडिशनल नॉलेज इज द नॉलेज गेन्ड बाय कम्युनिटीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट यूजेज ऑफ बायो रिसोर्सेज. अब जैसे कोई बहुत ही इंटीरियर प्लेस पे कोई गांव है वहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो अच्छा नॉलेज रखते हैं इन प्लांट्स का, कुछ एनिमल्स का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो उनको हम कह सकते हैं दे हैव गुड अमाउंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. बेशक वो उतना पढ़े लिखे भी नहीं होंगे. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर बायो रिसोर्सेज के बारे में उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखना कि उसकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ पे किस टाइप की बीमारी में ये काम आ सकता है, उस चीज़ को हम ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं. जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को साइट करते हैं यहाँ पर. जैसे कि ये गिलोय होते हैं, गिलोय की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है ये गांव का एक सिंपल साधारण इंसान भी जानता होगा. ठीक है, बनफ्शा को हम गले को ठीक करने के लिए या खांसी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ये भी कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म जानता होगा. ठीक है, सो मींस इन लोगों को भी इस चीज़ का ट्रेडिशनल नॉलेज है. ये तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल साइट किए, बट और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज कम्युनिटीज और लोकल पीपल का पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा है, बायो रिसोर्सेज भी डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा है, और बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप्ड कंट्रीज में कंपैरेटिवली कम है. ठीक है, अब डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं, दे आर एक्सप्लॉयटिंग दिस नॉलेज.
ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास ज्यादा है, ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं, दे आर एक्सप्लॉयटिंग दिस नॉलेज एंड अपना ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और बायो रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि वायोला ऑडोरेटा, जिसे हम बनफ्शा बोलते हैं हिंदी में, ये गले की खराश वगैरह को, खांसी वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इस वायोला ऑडोरेटा की जो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ इसको एक्सट्रैक्ट कर लें इस जीन को बनफ्शा से और किसी ऐसे प्लांट में डाल दें जो कि क्विक ग्रोइंग हो और ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करता हो, तो जो है वहाँ से वो फाइनेंशियल फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करके डेवलप्ड कंट्रीज़ एक तो अपना टाइम, एफर्ट और एक्सपेंडिचर तीनों चीज़ों को बचा रही हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट गेन करने के लिए इन तीनों चीज़ों को यूज़ कर रही हैं। बायो रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर बायो पायरेसी। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं, दे आर स्टीलिंग द बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सम वैल्यूएबल जीन प्रोडक्ट और फॉर फूड वैल्यू। ठीक है, तो साथ ही साथ उसके बाद इन चीज सभी चीजों को चुराने के बाद भी उसके ऊपर पेटेंट लगा रही हैं। ठीक है, एक सिंगल एकाधिकार वो कंट्री लगा सकती है राइट ओवर इट। ठीक है, मीन्स चीज वो किसी और की थी और अपना एक अधिकार लगा रही हैं, तो सिंपल लोगों को भी उस चीज के लिए उस चीज के लिए पे करना पड़ेगा जो कि अदरवाइज उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी और वो उन्हीं के नॉलेज के अंडर थी। तो ये पेटेंट जो है कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो पेटेंट जो है कुछ पहले कुछ सालों में कई चीज़ों के ऊपर लगाया गया था। बासमती राइस इंडियन वैरायटी थी जो उसके ऊपर 1997 में पेटेंट लगाया गया था। नीम के ऊपर उसकी पेस्टिसाइड एक्सट्रैक्शन के लिए पेटेंट लगाया गया। टर्मरिक के ऊपर वूंड हीलिंग के लिए पेटेंट लगाया गया, बट ये रिवोक कर दिए गए ये पेटेंट्स। नीम के ऊपर 2004 में रिवोक हुआ और टर्मरिक के ऊपर 1998 में रिवोक हो गया। ठीक है, इसके साथ एक और एग्जांपल यहाँ पर बायोपायरेसी में देखने को मिलता है। एक प्लांट है पेंटेडी प्लांड्रा ब्रेजियाना, ये वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेजीन प्रोटीन। ब्रेजीन प्रोटीन इसके फ्रूट में प्रोड्यूस होता है और ये जो प्रोटीन है ये 2000 टाइम्स शुगर से भी स्वीटर होता है। इट इज़ 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन द टेबल शुगर। ठीक है, और ये एक स्वीटनिंग एजेंट के रूप में लोकल पीपल इसको यूज़ करते थे। ठीक है, अब यूएस ने क्या किया, यूएस ने डिटरमिन की इस ब्रेजीन प्रोटीन की स्वीटनेस और उसके ऊपर पेटेंट लगा दिया उस जीन के ऊपर जो इस ब्रेजीन प्रोटीन को प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब पेटेंट यूएस ने लगा दिया इस ब्रेजीन प्रोटीन के ऊपर, फिर इन्होंने ये इस जीन को, दे वुड हैव ट्रांसफर्ड दिस जीन टू कॉर्न और मेज, और कॉर्निया मेज में ब्रेजीन जीन जब आ जाएगी तो नेचुरली मेज ग्रेन्स जो है वो उस ब्रेजीन प्रोटीन को बना देंगे। ये ब्रेजीन प्रोटीन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि जो लोकल यूजेस ब्रेजीन प्रोटीन की थी, अब उनके ऊपर एक पेटेंट लग गया। नाउ द लोकल पीपल विल नॉट बी एबल टू बाय और use this protein free of cost, they will have to pay for it. अब क्योंकि ये मीठा भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर USA की एक बोरी चीनी की लगेगी इस ब्रेजीन प्रोटीन की, तो इंडियन उसमें ये 2000 सैक्स के बराबर होगी, क्योंकि ये 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर है than the Indian sugar. ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसी कंट्री का अपना जो है नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज और बायो रिसोर्सेज को चोरी करके उसके ऊपर भी पेटेंट लगाना, दैट इज़
extreme example of biopiracy. ठीक है, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड.